गुलहरिया थाने की पुलिस टीम ने चोरी के जनरेटर के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नेपाल के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा को दोबारा शुरू करने के लिए नेपाल के मेयर ने गोरखपुर मेयर को सौंपा निमंत्रण पत्र। कहा, गुरु गोरक्षनाथ का नेपाल से गहरा है नाता, परंपरा को दोबारा किया जाएगा शुरू। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया प्रदर्शन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। वीर बाल दिवस के अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारा से महानगर में निकाला गया नमन यात्रा। मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, चारों साहिबजादों व माता गुजरी देवी ने देश व हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए दिया था अपना बलिदान, साहिबजादों के शहादत को नमन। वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा महानगर के द्वारा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में बेनीगंज पार्टी कार्यालय से निकाली गई नमन यात्रा, चारों साहिबजादों के शहादत को किया गया याद। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संभव दिवस के तहत निगम के सभागार में की जनसुनवाई। कहा, अधिकतर मामले आय राजस्व व साफ सफाई से संबंधित, निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। पुलिस की निगरानी में रहेंगे शहर के भीतर रहन बसेरे, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, चौकी प्रभारी हल्का प्रभारी को बनाया गया नोडल अधिकारी, नोडल अधिकारी रोजाना रहन बसेरों में जाकर करेंगे जांच। SP ट्रैफिक श्याम देवबिंद की अगुवाई में धर्मशाला बाजार चौराहे पर चलाया गया विरहद चेकिंग अभियान, बिना सिटी परमिट पाए गए दर्जनों ऑटो को यातायात नियमों के तहत किया गया सीज। बेलीपार थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों से 8,52,000 रुपए की लूट, हवाला के धंधेबाजी की जताई जा रही आशंका, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना का पर्दाफाश करने में जुटी पुलिस टीम। गोरखपुर में ठगी संबंधित अपराध की समीक्षा को लेकर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर का बयान। कहा, जमीन बेचने, नौकरी दिलाने और विदेशी भेजने के मामले में प्राथमिकता से निपटने के दिए गए हैं निर्देश।